शराब माफिया पर पुलिस समय समय पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन शराब माफिया चोरी छिपे युवा पीढ़ी को नशे की गर्त में धकेल कर चांदी कूटने में जुटा हुआ है। ऐसा ही एक मामला पामटा के माजरा में भी सामने आया है। यहां पुलिस ने एक ढाबे से अवैध शराब की 18 बोतलें पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। गौर हो कि पुलिस को कई दिन से इस ढाबे में अवैध रूप से शराब बेचने की शिकायतें मिल रही थी। इसी का संज्ञान लेते हुए माजरा थाना प्रभारी सेवा सिंह ने माजरा स्थित इस ढाबे में दबिश दी। रेड के दौरान पुलिस को ढाबे और साथ लगते घर से देशी शराब की 18 बोतलें बरामद हुई। डीएसपी वीर बहादुर सिंह ने बताया कि पुलिस ने ढाबा संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि शराब माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। नशा बेचने वालों के खिलाफ पुलिस की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए माजरा से अनुराग गुप्ता।